हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो भाई लोग। तो आज अभी बजे हैं सुबह के 10, नहाया नहीं हूं अभी भाई। आपके भाई ने स्ट्रेटजी बना ली है। अब एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि अभी 2-3 महीने में वेट लूज करना है। तू निकल जा भाई, निकल जा, पहले तू निकल जा। तो जिम मैंने कर दिया स्टार्ट और बकवास चीजें सब छोड़ दी हैं जो आप देखते होंगे मेरी वीडियो में, सब छोड़ दिया है। अब मैं सुधर गया हूँ। अब पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट वीक से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट तो चलो, मैंने जर्नी तो स्टार्ट हो गई है, पर प्रॉपर हम डाइट पे आ जाएंगे। जो सप्लीमेंटेशन चाहिए होगी वो प्रॉपर मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक से। एक हफ्ता थोड़ा बेस बना रहे क्योंकि काफ़ी देर से वर्कआउट किया नहीं है। वर्कआउट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा देर भी नहीं हुई, ऑन एंड ऑफ चलता ही था। बीच बीच में 15 दिन चले गए, 15 दिन छुट्टी हो गई, फिर 2 महीने बाद याद आ गया यार नहीं करना है, सेटिंग करनी है, फिर चले गए, फिर छुट्टी हो गई। तो इस बार ये छुट्टी वाला मामला जो है तो वो तो गाइस बिल्कुल हमने कट कर दिया। छुट्टी कोई नहीं करेंगे, छुट्टी होगी भी तब भी अपनी डाइट हम प्रॉपर रखेंगे। बाहर का अगर खाएंगे तो बड़ा सोच समझ के खाएंगे, नॉर्मल सा सिंपल सा सीधा साधा फूड। वो अभी बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, पैक शैक सब बंद सब बंद कर दिए आपके भाई ने। अभी एक बार ही पहले यार ट्रांसफॉर्म कर ले, उसके बाद देखेंगे फिर। वैसे भी सब कुछ निकल गया यार, दिवाली चली गई, अपना क्रिसमस भी हो गया, न्यू ईयर भी हो गया, लोहड़ी भी हो गई, जितने बहाने थे ना वो सारे बहाने अब निकल गए हैं। अब आगे कोई बहाना नहीं है बस। और बाकी अभी देखता हूँ रास्ते में अपना वॉशिंग वाला अगर खुला होगा उसको गाड़ी पकड़ आ जाऊँगा, और पास ही है जिम मेरा, मैं फिर सीधा जिम निकल जाऊँगा। आज गाड़ी का भी काम करवाना है यार, कितने दिन हो गए बोलते बोलते बोलते, अभी तक हमने किया ही नहीं। बाकी गाइस, आप में से भी जो जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है वो भी यार आज से कल से वर्कआउट शुरू कर दो। भाई भाई इकट्ठे पतले होते हैं, मज़ा आएगा। और मैं अपनी फ़ोटोज़ शेयर करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा कि फर्स्ट डे मेरी फिजिक कैसी थी, आफ्टर अ मंथ कैसी हुई, उसके बाद कैसी हुई। मतलब 15 दिन के गैप के पे करूँगा, ज़्यादा इतनी जल्दी भी नहीं कि 1-2-4 दिन में क्या पता लगेगा। 2-4 दिन में तो अपने आप को सेटिंग करने में लग जाएंगे। तो चलिए पहुँचता हूँ मैं उधर, फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। तो गाइस, गाड़ी मैंने लगा दी है अपनी वॉशिंग के लिए, एक गाड़ी की अभी चल रही है, तो अपना नंबर बस नेक्स्ट ही है। लेकिन मैंने इनको बोल दिया कि मैं तो जिम जा रहा हूँ, ये अपने आप अच्छी तरह से इसको वॉश करके लगा देंगे। तो जिम अपना इधर से पास ही है तो हम पैदल ही निकल पड़ते हैं, टाइम सेव हो जाएगा ना, वर्कआउट भी हो जाएगा और इधर गाड़ी भी हो जाएगी, वरना दोबारा मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे गाड़ी करवाते करवाते। और बंदा अपना वाकई भी है क्योंकि मैं अपनी गाड़ी हमेशा यहीं से ही वॉश करवाता हूँ। चलिए अब चलते हैं जिम। तो गाइस, वर्कआउट करके मैं निकला आया हूँ जिम से, अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेने। आज से तो यार पूरा सोच लिया, ठान लिया, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और करके दिखानी है भाई लोग। आग लगा देनी है, आग देख लेना, और वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। जिस दिन मैं अपने जिम का टूर कराऊंगा और ब्लॉग फर्स्ट आएगा, उस दिन से लेके नेक्स्ट 60 डेज तक की हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और आपको पता लग जाएगा कि भाई ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि मेहनत करने में मैं पीछे नहीं हटने वाला। चलो गाड़ी के पास पहुंचने लगा हूँ, देखता हूँ। तो गाइस, गाड़ी तो हो गई अपनी अच्छे से नीट एंड क्लीन, सीट्स ऊपर नहीं की यार इन्होंने, चलो अच्छी हो गई है। टाइम बच गया यार, और क्या, यही मैं बाद में आता। ओए 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 ओए,
बाद में आता 2 घंटे और लग जाने थे, ये तो बीच में ही काम हमने कर दिया, वो भी ऑन द वे ही था इसलिए हमारा काम हो गया, वरना कहाँ पे होना था। ये बड़ा पूछते हैं लोग यार, गाड़ी टाटा की है और ये महिंद्रा का लोगो क्यों लगाया हुआ है? इसलिए लगाया हुआ है, मेरी मर्जी, मेरा दिल करता है जो मेरा दिल करेगा मैं लगवाऊंगा यार, इसमें क्या है। साफ सुथरी गाड़ी में बैठने की फीलिंग ही अलग है, और ये हुई भी काफी दिन बाद साफ है ना, तो इसलिए नई नई वाला फील आ रहा है। अभी इसकी पॉलिशिंग मैंने कल ली थी, घर जाके लड़के को लगाते हैं, उसको कहते हैं चल भी लग जा, चमका दे गाड़ी अंदर से भी बाहर से भी, और घर जाके खुद भी चमकते हैं। अब नहाते हैं, तैयार होते हैं, फिर लेके चलते हैं कहीं आपको। तो गाइस मैं भी रेडी हो गया हूँ नहा धो के एकदम चकास, और पाजी आ गए हैं आज बहुत दिनों के बाद, ईद का चांद हुए होते हैं, मार्केटों में इनको पकड़ लो तो पकड़ लो, वैसे कहाँ ये काबू आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ये नेक्सा के शोरूम में जिमनी के बारे में पता करने, क्योंकि वो जो 4x4 लॉन्च हुई है उसके बारे में हम सारा पूछेंगे, डिटेल्स लेंगे और क्या उसका प्राइस रहने वाला है। अभी हमको कुछ है। हाँ जी सर, ओके ओके ओके, ट्रैफिक की तो दिक्कत है भाई, कल भी मैंने आपको बताया ही था। तो मैं क्या कह रहा था, ट्रैफिक जो और बढ़ जाएगा अगर हम गाड़ी भी ले ली नहीं तो। हाँ तेरी गड्डी करके ट्रैफिक सारा आगे बढ़िया है ना, अगर हमने एक दो गाड़ी और ले ली ट्रैफिक और बढ़ जाएगा। नहीं वो गाड़ी हम रखेंगे बाहर के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, शहर में हमने चलानी थोड़ी ना, शहर में चलाने के लिए हमारे पास है काफी ऑप्शंस। तो वही यार एक चीज मैंने आपको बताई नहीं थी, हमने ना ऑलरेडी थार बुक करवा दी हुई है, तो वही कंफ्यूजन चल रही है अब क्या करना है। लेकिन करवाई जो है वो रेयर व्हील ड्राइव वाली करवाई थी हमने बुक, जो उसका टॉप एंड मॉडल था कुछ 14 समथिंग के आसपास का उसका पड़ना था। अब ये जो जिमनी लॉन्च हुई है इतने में हमको 4x4 मिल जानी है, तो दिमाग में अब वही घुस गया कि यार अगर लेनी है 4x4 ही ले लेते हैं। तो चलते हैं अभी शोरूम में पहुंचते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस पहुंच गए हम नेक्सा के शोरूम में, और पाजी चलते हैं अंदर, सारा स्पेसिफिकेशन कदों तक गड्डी आ रही है, अंदर जाके उन्होंने कुछ सारी डिटेल्स ही लेने हैं, फिर देखते हैं कि बुक करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। चलो भाजी आओ। तो गाइस बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव उनके थोड़ा बिजी हैं, तो अभी आते हैं तो आगे की कार्रवाई डालते हैं, तब तक चाय कॉफी पीते हैं, ठंड है आप भी पी लो। तो भाइयों अभी तो फिलहाल उस शोरूम से हम निकल आए हैं, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम लग रहा था, कस्टमर बैठे हुए थे और हमको भी थोड़ा काम था रास्ते में, तो अब हम रास्ते में वो काम करके फिर थोड़ी चाय चाय पी लेंगे, ठंड बहुत है, फिर जाएंगे हम दूसरा शोरूम भी है एक, वहीं पे चलते हैं। ये थोड़ा छोटा भी था, वो बड़ा शोरूम है, उनके पास गाड़ियाँ आएँगी तो तब एकदम लॉट में ही आएँगी, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना वहीं पे जाके बुकिंग करवाते हैं। तो गाइस मैं खाने लगा हूँ ऑमलेट, पाजी खा रहे हैं समोसा, चाय भी अपनी आ गई है, मजा ले रहे हैं ज्ञानी टी स्टॉल पे। ठंड में तो ज्ञानी की चाय पीने का मजा ही अलग है, ये अमृतसर वासी अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पे तो उन्होंने तो चलती है ये बात थोड़ी ना। नहीं पर ज्ञानी दी पाजी भी कुछ और ही गल बात है, है अल्टीमेट चाय अल्टीमेट। यार जो चटनी देते हैं ना ऐसी चटनी कहीं नहीं मिलती, कोई भी रेस्टोरेंट चल जाओ, बड़े से बड़े होटल चले जाओ, क्लब चले जाओ, कहीं पब चल घर में बना लो, जहाँ मर्जी बनाओ बनेंगे, ऐसी चटनी का स्वाद कहीं नहीं मिलता। आई पाजी अपने दिल दिया गल्ला सुना रहे बह के मनो।
कुछ पुरानी बातें हो रही हैं। जैसे अपना कॉलेज टाइम याद कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज टाइम पे भी हम यहाँ पे बहुत आया करते थे। हमने जब टूर मारने के लिए जाना, हमारा एक फ्रेंड था दत्ता, वो बड़ा शौकीन है ये, उसके फट गया करता दत्ता भाई, दिस वन इज फॉर यू, चटनी तेरी फेवरेट। हमारा एक फ्रेंड दत्ता ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, सुनील दत्ता, मिस करते हैं हम उसको बहुत, पर वो नहीं करता अब हमको, वो कहाँ करे यार, बाहर जाके लोग कहाँ करते हैं। भाजी चंगा ही होया शोरूम में टाइम लगा था उन्होंने, भूखा नहीं ज्यादा लगी थी, वो लगी थी तुहाडे भरा ने, अज तो जिम भी शुरू किया वा, वर्कआउट करने के बाद भूख ज्यादा लगती है, जिम तूने शुरू किया भूख मुझे ज्यादा लगनी शुरू हो गई है। गैस मेरी जिम करने की वजह ना पाजी हुई है, क्योंकि इन्होंने ले लिया है हर चीज से 40 दिन की ब्रेक, अब ये जाएंगे बाबा जी के आगे मत्था टेकने, इन्होंने चिलिया स्टार्ट किया, और पाजी के बिना मैं, मेरी क्लास अधूरी ही रहती, खाली रहती है बिल्कुल। तुझे कहते हैं आपने तो मैं यार तुम्हें छड़िया भी थोड़ा फायदा ले लीए, तभी भी 40 दिन मेहनत कर लीए, पर पाजी नहीं हूँ 40 दिन तो बाद भी कंटिन्यू ही रखना है वा, और प्रॉपर सेटिंग करनी करनी है। पर समोसे ना सेटिंग नहीं आनी यार, चलो ये तो कभी कभी समोसा भी यार बहुत वधिया होंदा जी इत्थे दा, यानी दा समोसा, समोसा अच्छा, आमलेट, कचौरी, पनीर पकौड़े, सभी ए वन। छुट्टियों दिल नहीं करते खत्म हो गए। अच्छा मिर्चा बनिया पाते चटनी देते, मैं ठोक के फिर भी मिर्च पाई होंगी, पर फिर भी मजा पूरा आंदा वा। चल पा भरावा कितने का प्रोग्राम बना ला, कितने मनाली हो आई है, बर्फ बुरफ पै गई सारे कितने, मनाली जाने, मनाली चलते हैं, मनाली तो अगे चलते हैं, कैलोंग में चले फिर है, नेक्स्ट वीक वीकेंड पे चलते हैं, नेक्स्ट वीक दा बना ला, नहीं मनाली जाना, मकरौड़गंज चल पन्ने कितने ते, कितने ते चल पाए एक, मनाली भी हो गया, मैं मकरौड़गंज चलते हैं, चल मकरौड़गंज ही चल पाए, मकरौड़गंज पालमपुर उधरले पासे सारा हो आने हैं। मनाली जाएंगे नई कार पे, मनाली जाना भाजी ने जिमनी लाके, मेरी चटनी की प्लेट के ऊपर अपनी प्लेट रख दी इसने, तू ना खा यार, जिन्हें खानी नहीं भरा तेरा गला मेरा गला, तेरा गल्ला मेरा गल्ला नहीं, कट 20,000 रुपया घर चल, मैं पता तेरा गल्ला कितने पे है। मैं भी तेरे का पता है, आ डैशबोर्ड खोल ला ही मैं इतों, अंदरों निकलना ही। बाहर ट्रैफिक देख कितने, देख यहाँ पे पूरे अमृतसर में ना ठंड विच चीज ठंडी बड़ी जल्दी हो जाती है, जो बाहर का टेम्परेचर होता है ना वो जल्दी एकदम एडजस्ट हो जाता है आइटम में। भाजी जो ज्ञानी टी स्टॉल वाला किसी हिल स्टेशन पे शॉप खोल ले यार, उसको यहाँ पे नहीं टाइम मिलता यार, कोई चलो वो तो है भाई, पर खोल लेते फुल नहीं जा रही है यार, जो उसका टेस्ट है ना चाय का
वो नंबर वन है, कुछ डालता है इसमें अपना कोई अलग सा फॉर्मूला, कोई जड़ी बूटी डालता है। मेरा पाजी ने पूछा था एक बारी, पाजी तुम हमेशा ज्ञानी ते ही आंदे हैगे हो, ते की खास गल हैगी है इहदी चाह दे विच? पाजी कहिंदे देखो जड़ी बूटी डालदा है। नहीं नहीं पाजी कहिंदे की है जिहड़े पहले चाह पी के जांदे हैगे ना, ओह सारे कप्पां नूं इक्को ही टप दे विच भिओ दिंदा हैगा वा, दोबारा चाह उस कप च आंदी है, कोई सरफ ना चंगी तरह साफ नहीं करता है, ओदे करके कुछ ज्यादा ही टेस्ट आंदा। सारे टेस्ट मिक्स हो गए। ऐही क्या है ना, याद है कि नहीं तुहानू? पर यार इनको पता नहीं क्या जरूरत है यार, भाई लोग क्या समझेंगे कि इतने लोगों का टेस्ट एक ही साथ ले रहे हैं। पर उस तो बाद इन्होंने की किया कि कप के थले हम कप ला के देंगे ताकि चुप चुपा बंदा पता लगे। अच्छा उस दिन वाली बेलपुड़ी भी बहुत वधिया हैगी। अमृतसर का तो पता है खाना नंबर वन है। ये देखो गाइस, गिलासी के नीचे गिलासी चाह तो है, ये बड़ी गर्म है, तू इन्नी गर्म गर्म पी गया। ये तो लग रहा है गिलास गर्म होगा, मतलब सब नॉर्मल ही है ना? लाची का वखरा स्वाद है, मिठे का वखरा स्वाद है, पत्ती का वखरा स्वाद है, दूध नहीं आया, पूरे फ्लेवर्ड है। हेलो, हाँ हाँ